नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा, आप देख रहे हैं बीबीएम न्यूज़। फरीदाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। फरीदाबाद में दिन दहाड़े एक महिला की गला रेत कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में हुई यह कल की घटना है। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी, तभी अज्ञात हमलावर ने महिला की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पूरा इलाके के लोग दहशत में हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवा कर मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरों में लहूलुहान अवस्था में जमीन पर पड़ी दिखाई दे रही महिला 32 वर्ष की फरजाना है, जो अपने परिवार के साथ सूरजकुंड के गांव खोरी में रह रही थी। दिन दहाड़े जब हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब महिला घर पर अकेली थी। मृतक महिला की बहन और उसके बेटे ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था। उसकी माने तो उसने अपने जीजा को फोन मिलाया था। फोन पर उनके जीजा की रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसकी जीजा की बात हुई तो उसकी जीजा ने बताया कि उसकी बहन को किसी ने गला रेतकर हत्या कर दी है, जिसे सुनकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। आनंद फानंद में वो अपनी बहन के घर पहुंची तो देखा कि उसकी बहन के घर पर पुलिस और काफी भीड़ थी, जिसके बाद पुलिस ने उसके बहन के शव को उठाकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भिजवा दिया। उसकी माने तो उसकी बहन का उसके पड़ोसियों से झगड़ा होता रहता था, लेकिन हत्या की वारदात को किसने अंजाम दिया इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। वहीं उसके बेटे के मुताबिक भी घटना के समय वह स्कूल पर जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसे रास्ते में पता चला कि उसके घर किसी का इंतकाल हो गया। उसने घर आकर देखा उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी थी और किसी ने इसकी माँ की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस के मुताबिक ये सूचना मिली कि खोरी गाँव में एक महिला के किसी अज्ञात ने गला रेत कर हत्या कर दी। जब सूचना पाकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि महिला के गले पर किसी ने तेजधार हथियार से वार किया हुआ था और महिला जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने उसके शव को उठवाकर सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घर पे फोन करा था अपनी मम्मी के पास जी, तो मम्मी कहने लगी कि अफसर का फोन मिला दे। तो मैंने अपने जीजा को फोन मिलाया जी। तो जीजा फोन पे बहुत ज्यादा रो रहे थे जी। तो जीजा बोलने लगे कि कल तू कहाँ है, कहीं घर पे आ जा। मैंने क्या बात हो गई, कि तेरी बाजी को किसी ने मार दिया। तो बाजू को उसने मार दिया, मन की तुम कहाँ थे, कह मैं दुकान पे आया और इनसे आई थी। तो देखा उसने गेट बंद था, उनने काफी देर तक गेट बजाया। तो जाकर उसने देखा तो वहाँ पे इनसे बैठ भी थी, तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे काफी देर से रोई थी उसकी छोटी लड़की गोदी की, इतना मुझे पता। ये खोरी में एक 30-32 साल की लेडी है फरजाना, उसका किसी अननोन पर्सन ने मर्डर कर दिया है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करके तफ्तीश स्टार्ट की गई। किस तरह से मर्डर किया है, कितनी उम्र थी उसकी? उसकी मैंने आपको बताया करीब 30-32 साल के आसपास उम्र है, और गला उसका जो है गला कटा हुआ है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके मुताबिक मैं आपको डिटेल दूंगा। एसएचओ साहब, ये महिला की जब हत्या हुई तो उसके घर वाले उस समय कहाँ गए थे और कौन कौन है उसके घर वाले, उसके साथ रहते थे? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इस पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और मैं आपसे इस बारे में, मेरी भी आपसे गुजारिश है।